देखो यहाँ पर नेचुरल सब मिल रहा है, राइस है, नागली के बिस्किट है, नागली के पापड़ी है ना, रागी के, मतलब प्राकृतिक जो नेचुरल से बनता है ना वो, तो यहाँ पर मैं मुलाकात ले रही हूँ, चलो देखते हैं। वास डांग का प्रख्यात वास का अचार पहली बार सुना है, ये भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। पल मिलेट पास्ता, बाजरी के, बाजरी का जो आटा है ना उसका पास्ता मिल जाए वो भी मैं लूंगी एक पैकेट। रागी का ये जो पास्ता आता है ना वो रागी का पास्ता है, फिर यहाँ पर आप पापड़ी है, रागी की पापड़ी भी मिल रही है। तो ये मैंने शॉपिंग पहले करी है वेफर से रागी की, और ये सारे आयुर्वेदिक सब है, मतलब सारी मैंने विजिट की, बहुत सारी चीज़ें मैंने खरीदी है। और अगर आप सापुतारा आ रहे हो तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करना अंबिका फार्म में, और एकदम नेचुरल एंड देसी स्टाइल बोलते हैं ना, एकदम नेचुरल, कोई बिल्कुल नहीं, शुद्ध सात्विक मिल रहा है, तो यहाँ पर ज़रूर एक बार आइए। अभी अंबिका फार्म में शॉपिंग मेरी ख़त्म हो गई, अभी मैं फार्म में थोड़ा घूम रही हूँ, ये आप देखिए यहाँ पर नेचुरल सारे जो मैंने प्रोडक्ट खरीदे ना नेचुरली यहाँ पर बनती है, और इतना अच्छा माहौल भी, इतना अच्छा है, एटमोसफियर बहुत अच्छा है। ये आपने देखा नहीं है जो गुजराती में कुकड़ो कहे हैं बोलते हैं ना मरघी, वो है कितना बड़ा है, दोनों मैं पास से दिखाती हूँ कितना बड़ा है। ब्यूटीफुल, अभी मैं रैबिट दिखा रही हूँ और पैरट और रैबिट देखो, वाओ वाओ वाओ, ये देखो कलर वाले भी है, और नीचे रैबिट है, ऊपर पैरट है पूरा। ये देखो कितने अच्छे, आप एक बार जरूर आना सापुतारा आ रहे हो, रैबिट को छोटे छोटे बच्चे रैबिट के कितने अच्छे है। अभी ये देखो डक, वाओ ये डक सोई हुई है बेचारी, इट्स अमेजिंग।